हमको इसलिए हमको रोना आया कि हाँ मैंने ये हम तो बोला कभी जो पार्टी का जो मुख्य सचेतक है वो बांटता है, ये मुख्यमंत्री जो अपने हाथ से बांटा और हमको दरकिनार कर दिया, हमको बोलने का समय नहीं दी। नमस्कार जोहार सबके खतियानी जोहार। तो काल के जो मुख्यमंत्री के अनर्गल घोषणा कर दिलो कि 1932 कर खतियान के आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनतो, तो ये झारखंड के पूरा अभी चुभ गया है। पूरा झारखंड में आंदोलन अभी आक्रोश हो गया है। बहुत जगह मुख्यमंत्री कर और कर विधायक सब के अभी पुतला दहन हो रहे। ओकरे में आज विधानसभा सत्र चल लो, जेकर में लोबिंदा विधानसभा सत्र के बाहर ही पूरे मीडिया के सामने रोय ले लो, मतलब कांदी ले लो। तो तोहिन के ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि तोहिन के 2024 में की करना होन कमेंट में बतवा कि ऐसने सरकार हम इन झारखंड में चाही की करे है। तोहिन अपन कमेंट में जरूर राय दिया। तो पहले ये लोबिन हेम्ब्रम दा के जरूर देखा कि आज झारखंडी झारखंडी के नीचे लगला हूँ और झारखंडी झारखंडी के जनभावना के साथ खेल कर लगला हूँ, खिलवाड़ कर लगला हूँ। आज अपन पार्टी के अपन नेता आज रो रहा है लोबिन हेम्ब्रम दा। आज पूरा सदन के बाहर मीडिया के बाहर पूरा अपन पूरा भरे आँखों से आंसू होकर निकली गए। तो तहीं देखा है रिपोर्ट के और बड़ा चिल्ला के उन्होंने कहा कि 1932 के खतियानी आधारित नीति नियोजन नीति ये नहीं होगा। कोर्ट का भी हवाला उन्होंने दिया और कोर्ट क्या करता नहीं करता, लोगों का डिमांड है और लोगों को पूरा उम्मीद था, पूरा भरोसा था कि अब की बार 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 लोग बोलते थे, चुनाव के पहले बोलते थे अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार, हम लोग भी बोलते थे। आज उन लोगों का विश्वास चकनाचूर हो गया और देश में हर जिला में हर राज्य में अलग अलग डोमिसाइल है और यहाँ पर अगर एक एक घर का सर्वे किया जाए कितने लोग जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वहाँ का भी डोमिसाइल का लाभ ले रहे हैं और यहाँ भी लाभ ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये स्थानीय नीति अपना चुनावी एजेंडा में भी था इनका। हम लोग बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी, स्थानीय नीति हम बनाएंगे, बहुत तरह का था, लेकिन आज तक उस पर पहल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा लोग बहुत आहत में है। बार बार फोन आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज हमने बार बार कहा था, शुरू में तो हमने यहाँ चौकीदारी का काम किया, सारे विधायकों को कहा क्या कहा, मुख बधिर बनकर रहोगे, कुछ बोला गए कि नहीं बोलोगे। तो लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को बोलना चाहिए और हमने सबों को बोल करके स्टीफन दा को हम लोगों ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगिए। हम लोग गए, उन्होंने कहा क्या बात है, बोला कि नहीं हम लोगों को समय चाहिए आपसे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं कल आप लोग आइए। हम लोग गए भी और वहाँ पर हमने बहुत नॉर्मली भाव से कहा कि सर हमारा एक सुझाव होगा कि जिसका खतियान है और पूरे झारखंड प्रदेश में बहुत मजहब के लोग रहे, बहुत जाति के लोग हैं, सारे लोगों के हाथ में खतियान है, तो खतियान आधारित आप स्थानीय नीति बनाइए। उसी बात को माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी दोहराया और स्टीफन मर्मी ने भी कहा था, आपके बहुत सारे विधायक ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए इसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज तो बैठक किए हैं पहली बार, हम लोग दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, दस बार मीटिंग करेंगे और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा फलाफल होगा, लेकिन एक भी मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाया। तो और कल परसों जो इन्होंने दिया अपना वक्तव्य में, ये बहुत आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। भाई हमको स्थानीय नीति का डिमांड हो रहा है, हम सरकार में हैं और अभी नहीं बोलेंगे तो कभी कब बोलेंगे? आप लोगों को पता होना चाहिए, आज हमें बता रहा हूँ, मैंने मेन बजट भाषण में हमने भाषण दिया था। तो ये कौन व्यक्ति, कौन विधायक, किस विभाग में कौन कौन बोलेगा, वो पार्टी का जो मुख्य सचेतक होता है वो तय करता है। और उन्होंने चिट्ठी भी निकाला और चिट्ठी निकाल के बोला कि 7:30 बजे चंपाई सोरेन के घर में बैठक होगी,
तय हो गया, फिर वो कैंसिल हो जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने चैम्बर में बुलाया और वो अपने से बांटने लगे कौन लोग कौन कौन विधायक किस विभाग में बोलेगा। और हम भी सोचा था कि हमको भी शायद मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। और बहुत हम क्या बताएं, या आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में मेरा, हमको नहीं दिया, नहीं दिया। और आपके माध्यम से तीन इन नोड़े के ना नोड़े पे जंगल के ना तीन नोड़े मीडिया रे मिने ना ये तीन यही शांत काल का व्यवहार हुई करना जे विधानसभा रे मेन बजट रे कोई भाषा लेता इन बात मौका बाकू मिल दी ना जानबूझ करते बाकू मत दिया कि नई सरकार आ है रोड़न है, ये जानबूझ के हमको नहीं दिया क्योंकि ये भी सरकार पर प्रहार करेगा। प्रहार मैं नहीं करता, जो जनमित बात है मैं इसी बात को बजट में भाषण में बोलता, लेकिन नहीं दिया गया। तो आज जो जितने विधायक हैं उनका दिल से अगर वो पूछे क्या गुरुजी का क्या सपना था, क्या सोचे थे वो, अलग राज किसके लिए किए थे, इतना लड़ाई इतना जेल, आज राज अलग हुआ किसके लिए अलग हुआ है, आज उस मिट्टी का बात हम नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं। हम 5 तारीख से निकल रहे हैं और 5 तारीख से पूरे झारखंड का हम यात्रा करेंगे और गांव गांव में, प्रखंड प्रखंड में, जिला जिला में इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। और अभी हमको जन समर्थन मिल रहा है और मिलेगा क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। और अपनी सरकार में अगर हम नहीं बोले तो कब बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, तीन अब सरकार ने कीजिए तीन भाई रोड खान उकाह ले रोड़ा उकाह ठे रोड़ा और तीन नुआ डिमांड तुम मांग 1932 से खतियान नोटेना नियोजन नीति तीन अब सरकार मांग हुई कोई सरकार हुई हुआ और जो दिन रोड़े कर खाए तीन को तीन कितना रोड़ दाए। अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलता है हम बोलेंगे। और 5 तारीख से मैं घर से माननीय सिद्धू हमारे वीर शहीद सिद्धू कन्हू का गांव से हम वहां का मिट्टी का टीका लेकर के हम निकलेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश का दौरा करेंगे और इस आवाज को बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पर अभी तो पूरा जगह से डिमांड आ रहा है कि यहां आइए वहां आइए, जन समर्थन मिलेगा, ये जनसेना उभरेगा और पूरे झारखंड प्रदेश में। और हमने ये भी कहा में अल्टीमेटम भी दिया है कि अंतिम लास्ट अप्रैल तक में अगर ये सरकार नहीं कुछ करती है तो बाध्य होकर के फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम भारत पूरे झारखंड बंद का हम आह्वान करेंगे ये लास्ट अप्रैल तक में। दादा बबीता एक एक बबीता आपसे एक सीधा सवाल है, सिर्फ लॉबिंग हेमरम आहत है कि जेएमएम के और विधायक भी मुख्यमंत्री की बातों से आहत है, क्या जेएमएम में इसको लेकर बगावत हो सकता है? साथ और लोग क्यों नहीं खड़े हैं, जो लोग देखिए आप पता नहीं उसके दिल को मैं कैसे टटोल सकता है, आहत है लेकिन बोलते हैं ये गलत हो रहा, ये मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है ये गलत है, बोलते हैं लेकिन सामने लोग नहीं बोलते हैं। अब पता नहीं कुछ चीज का डर है, क्यों डर है, फिर तो पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, जो वहां के वोटर ने भेजा है वो तो सवाल करेगा ही, सारे लोगों पर करेगा। और तो क्या है, आज ये डिमांड हम कर रहे हैं तो सदन में रहे या न रहे बात बराबर है। हाँ तो वही हुआ ना, वो तो बोले कि नहीं बोले, देखिए वो तो बोले कि यहाँ 1932 पर खतियानी आधार खतियान के आधार पर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नियोजन नीति नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, गैर संवैधानिक है तो हम बोल रहे हैं गैर संवैधानिक बोल रहे हैं, मजाक मत है। इतने सारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, कोई गैर संवैधानिक कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, हमको इसलिए हमको रोना आया कि हाँ मैंने ये हम तो बोला कभी जो पार्टी का जो मुख्य सचेतक है
वो बांटता है। ये मुख्यमंत्री जो अपने हाथ से बांटा और हमको दरकिनार कर दिया, हमको बोलने का समय नहीं दिया, इसलिए जी अपनी सरकार के खिलाफ 5 तारीख से लोगों को एकजुट करेंगे। सरकार के खिलाफ नहीं यार, आज जो मांग है उसके लिए और लोगों को हम जागृत करेंगे, समझे ना। बहुत सारे लोग, केवल आदिवासी की बात नहीं है, यहाँ पर जिसका इस मिट्टी में नाभि गड़ा है वो सारे लोग झारखंडी है, सारे लोगों को, कोई जाति विशेष पर नहीं। गुरु जी से बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, वो तो हमारे नेता है, हम जरूर बात करेंगे। हेमंत सोरेन से आप बात नहीं करेंगे? अरे सावधान का नेता है, बात तो किए, प्रयास किए, उसके यहाँ जाकर के मीटिंग किए सारे विधायक के साथ में, लेकिन कहाँ पहल हुआ। झामुमो में रहेंगे ना? झारखंड में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? झामुमो में मोर्चा नहीं है, हम हैं। इस्तीफा तो नहीं देंगे? क्यों देंगे इस्तीफा? एक और बात आ रही है, सुनी सुनाई कि आप भाजपा के लोगों से इन दिनों मिल रहे हैं, इसलिए इस तरीके का बयान। सुनिए ना यार, भाजपा का क्या वो मैंने कोई मेरा दोस्त है यार है क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? विधायक है तो नहीं मिलेंगे? आप अलग अलग आपका क्या बोलते हैं कोई एक चैनल है तो दूसरे चैनल वाला से बात नहीं करिएगा? अरे अजब बात है, अरे बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ आप यहाँ पर लेडीज जेंट्स आप लोग हैं, आप किसी से बात करिएगा तो दूसरा मतलब निकाल लेगा, ऐसा नहीं है। चैनल भी चेंज करते हैं क्या? चेंज करिए, आप चेंज करिएगा तो चेंज करिए, और हमको क्यों बोल रहे हैं चेंज करेंगे? हम क्यों चेंज करेंगे भाई? किस मिट्टी से कहता है सुना जा रहा है, तो आप चेंज करेंगे या इसी में रहेंगे? क्या चेंज करेंगे? आप कह रहे बात नहीं सुना जा रहा है, या इसी में रहेंगे? काहे चेंज करेंगे? काहे चेंज करेंगे? 95 पे टिकट नहीं दिया था, हम दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते थे क्या? खिलाफ नहीं लड़ा, सरकार को आईना दिखाता है, लड़ाई लड़ते तो नहीं भिड़ जाते उससे।